हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनु। फूड इंडिया ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ढाबा और रेस्टोरेंट में तो चिली पनीर और चिली पटेटो आपने बहुत खाए होंगे। आज आप मेरी रेसिपी के साथ ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं चटपटा सोया चिली। सबसे पहले हम सोया चंक्स को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं 2 कप सोया चंक्स ले रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। सारे सोया चंक्स को मैं पानी में डिप कर दे रही हूँ और इसको हम 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। हमारा सोया चंक्स बॉईल हो गया है। अब हम इसे स्टेनर में ले लेंगे और ठंडा होने के बाद इसका पानी निकालेंगे। यहाँ पे सारे सोया चंक्स को मैं स्टेनर में ले रही हूँ। सोया चंक्स बहुत गर्म है, ये ठंडा होने के बाद इसका पानी निकालें। यहाँ पे सारे सोया चंक्स को मैं स्टेनर में ले ली हूँ। A few moments later, हमारा सोया चंक्स ठंडा हो गया है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब सोया चंक्स को हम ऐसे दबाते हुए इसके पानी सारा निकाल लेंगे। ये स्टेप आपको बहुत ही केयरफुली करना है। अगर आपका सोया चंक्स गर्म है तो आप इस पर ठंडा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर सारे सोया चंक्स को मैं बाउल में ले ली हूँ। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर देने के लिए, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपके पास कॉर्नफ्लोर अगर नहीं है तब चावल के आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या फिर मैदे के यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको लग रहा है सोया चंक्स अच्छे से कोटिंग नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर दही का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सोया चंक्स रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और इसे गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो गया है। मैं चेक करने के लिए यहाँ पर मैं 1 डाल कर देखती हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं। यहाँ पे मैं सोया चंक्स को सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे सोया चंक्स को मैं डाल दी हूँ। सोया चंक्स को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन के कोटिंग ना आ जाए और सोया चंक्स हमारा क्रिस्पी ना हो जाए। इसे आप ऐसे ही उलटते पुलटते फ्राई करना है। यहाँ पे मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए एक साथ डाल दिया है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो 2 या 3 बार में डालें। यहाँ पे सोया चंक्स हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलते हैं सॉस बनाने की प्रोसेस में। सारे सोया चंक्स को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। अब चलते हैं सॉस बनाने की प्रोसेस में। यहाँ पे फिर से मैंने वही कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का यूज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैं कैप्सिकम और एक अनियन को डाइस डाइस करके काट लिया है। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन लिया है गार्निश के लिए। स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट पार्ट ली हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे 8-10 गार्लिक लिया हुआ है जिसको मैंने चॉप करके काट लिया है। यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्च लिया है। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें डालेंगे गार्लिक। गार्लिक को यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। ये चाइनीज़ डिश है तो इसमें लहसुन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। हम लहसुन को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ना भून जाए। लहसुन में ब्राउन सा कलर आ गया है। लहसुन हमारा भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और ऑनियन। कैप्सिकम और ऑनियन को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सौते करना है। यहाँ पर मैं 2 कप सोया चंक्स लिया था उसके हिसाब से वेजिटेबल्स का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर सोया चंक्स कम करेंगे तो उसके हिसाब से आपको वेजिटेबल्स भी कम लेना होगा। इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट वाला पार्ट। हमारा कैप्सिकम और ऑनियन सौते हो गया है। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून सोया सॉस,
एक टेबल स्पून विनीगर, एक टेबल स्पून चिली सॉस, एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस, टू टेबल स्पून टमाटो केचप। अब हम सारे सॉस को अच्छे से मिला लेंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे नमक का यूज़ कर रही हूँ मैं। नमक का यूज़ थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं और हमने सोया चंक्स में भी नमक का यूज़ किया था। हमारा सॉस रेडी हो गया है, अब हम इसमें सोया चंक्स ऐड कर देते हैं। सारे सोया चंक्स को मैं ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक सोया चंक्स के ऊपर सॉस के अच्छे से कोटिंग ना हो जाए। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर का घोल का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि सॉस हमारा थिक हो जाएगा, सोया चंक्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहो तो इसी स्टेज पर एक टेबल स्पून के करीब करीब कॉर्नफ्लोर लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक सेलरी बना के इसमें डाल सकते हैं। ये चाइनीज़ डिश है, चाइनीज़ डिश हमेशा हाई हीट पर पकाते हैं, इसीलिए मैं गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखी हूँ। तो यहाँ पर हमारा सोया चंक्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, कोटिंग भी अच्छे से हो गया है। ऐसा यहाँ पर कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन डाल देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारा सोया चिली रेडी हो गया है। अब हम गैस को करते हैं बंद और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक भी मुझे बताएं आपको कैसे लगे। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंकल कर रही हूँ। मुझे इंस्टा और फेसबुक में फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।